मम्मी, ये जिस स्कूल में आप मेरे को भेजती हो ना, उस स्कूल में मत भेजा करो। क्यों भाई? अब मेरे स्कूल के जो बाजू में स्कूल लगा है ना, उसके अंदर भेजो। क्यों, उसमें ऐसा क्या है? अरे आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ। क्या है फायदा? अरे उस स्कूल में जो भी टॉप करता है ना, उसका एक एक साल का स्कूल फीस माफ, मतलब फ्री। क्या फ्री? चल डैडी से बात करते हैं, चल जल्दी चल, फ्री मिल रहा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जीरो ब्रोकरेज जो आजकल बहुत सारी स्टॉक कंपनियां दे रही हैं, इसके पीछे का एक्चुअल सच क्या है। क्या ये सच्ची में होता है? जीरो ब्रोकरेज बोल के सच्ची में कोई चीज है कि आपको सिर्फ एक टोपी पहनाया जा रहा है? इस चीज को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है, अच्छा आप पहले हम थोड़ा ट्रेडिशनल समझते हैं। जब बहुत साल पहले से इंडिया में फुल ब्रोकर्स ही एक ऐसा माध्यम था जहां से लोग ट्रेडिंग कर सकते थे। अब आप देखें तो आजकल मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं जो आपको डिस्काउंट देते हैं ब्रोकरेज के अंदर, और आपको लुभाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। उसमें एक ऑफर जो है वो है जीरो ब्रोकरेज। अब ये जीरो ब्रोकरेज एक्चुअली होता क्या है? जीरो ब्रोकरेज उन लोग आपको दे रहे हैं भैया पोजिशनल ट्रेड पे, यानी कि होल्डिंग पे। अगर आप एक स्टॉक खरीद के अपने डीमैट में रख लेते हैं तो आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा जो, अगर मैंने कोई चीज डिलीवरी में ली है यानी पोजिशनल में लिया है, होल्डिंग के लिए लिया है, तो वो एब्सोल्युटली फ्री हो गया? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो होगा वो एब्सोल्युटली फ्री नहीं होगा, आपका सिर्फ ब्रोकरेज ही जीरो है। ठीक है, सिर्फ ब्रोकरेज ही जीरो है। और वो क्यों जीरो है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सिर्फ ब्रोकरेज ही जीरो है। ब्रोकरेज के अलावा भी 5 और खर्चे होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, और ये जो खर्चे हैं ये आप समझें एक प्रकार का टैक्सेस हैं जो आपको देने हैं। जैसे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, आप जीएसटी पे करेंगे, आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा, आपको सेबी टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, आपको ट्रांसैक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इवन दो आपका ब्रोकरेज जीरो है, ये सारे चार्ज आपको लगेंगे। मोर ओवर अगर आप कोई स्टॉक बेचते हैं तो आपको डीपी चार्जेस भी लगते हैं, तो ये सारे चार्जेस आपको पे करने ही हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैं, मेरा जो ब्रोकर है मुझे जीरो ब्रोकरेज दे रहा है तो इसका मतलब एब्सोल्युटली फ्री है, मैंने खरीदा तो मुझे एक रुपया चार्ज नहीं लगना, जब मैं बेचूंगा तो एक रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नाउ अब आते हैं जीरो ब्रोकरेज पे। ये कंपनियां पागल हैं जो आपको जीरो ब्रोकरेज ऑफर कर रही हैं। जैसे आप नाम, मैं आपको नाम बताता हूं, जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, अपस्टॉक हो गया, फाइव पैसा हो गया, ऐसे बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्या ये कंपनियां पागल हैं जो आपको जीरो ब्रोकरेज दे रही हैं? इसके पीछे का क्या रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ 10% ट्रेड जो होता है वो होता है पोजिशनल ट्रेड यानी कि होल्डिंग ट्रेड। बाकी 90% जो ट्रेडिंग होती है वो होती है इंट्राडे और एफएनओ के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टेबाजारी है और हम यहां से बहुत जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। और सबसे जल्दी अमीर होने का रास्ता एक सिंपल सा है कि आप इंट्राडे में काम करें, लिवरेज लेके काम करें, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करें जहां पे आपको लिवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है, तो आप छोटी रकम में बड़े पैसे पे काम करके बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। और यही वजह से जो नए
लोग हैं वो इन चीज़ों में, आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप भी इस बात को समझ सकते हो कि आप भी यही करते हो। आप करना क्या चाहते हो? भैया मैं एफ एन डो करना चाहता हूँ, मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, ठीक है, आप यही करना चाहते हो और 90% ट्रेड यही होते हैं स्टॉक मार्केट में। सिर्फ 10% ट्रेड ऐसे हैं जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, जहाँ पे आप होल्डिंग में रखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नितिन कामत जी जो जीरोधा के फाउंडर हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि हमारा इंडिया जो है वो एक फ्री बोल के जो चीज़ है ना, उससे इतना ज़्यादा हैविली ऑब्सेस्ड है कि अगर आप किसी को फ्री बोल के कुछ भी चीज़ दो वो बड़े प्यार से ले लेगा। फ्री बोल के आप दे दो, भाई फ्री में दे रहा हूँ, फ्री कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेज हैं, बस वो मर रहा है उसको लेने के लिए, वो मर जाएगा भैया। आप आजकल देखिए कोई भी सामान आप लेने जाइए उस पर लिखा रहेगा 10% फ्री, 20% फ्री, 20 ग्राम फ्री, एक इसके साथ एक चीज़ और फ्री, बिकॉज उनको मालूम है, आजकल जो कंपनियाँ हैं उनको मालूम है कि हम इंडिया में जितने भी लोग हैं वो फ्री के पीछे पागल है। आप दाम बढ़ा दो, 10 रुपये बढ़ा दो और 10 रुपये का सामान फ्री में दे दो, आप बहुत खुशी खुशी से खरीद के लेके आओगे और आप बोलोगे भाई मुझे फ्री मिला। तो यही चीज़, ये जो आइडिया है ये नितिन कामत साहब ने जीरोधा में यूज़ किया और वो सबसे पहले थे जिन्होंने जीरो ब्रोकरेज का सिस्टम लॉन्च किया इंडिया में, और वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आज अगर आप देखें तो जीरोधा क्लाइंट, एक्टिव क्लाइंट के लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच गया है। एक तो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, 20 रुपीज़ पर ट्रेड दे रहे थे, उसके साथ साथ उन्हें होल्डिंग जीरो पे दे दी। अब पब्लिक जो है उनको ये समझ में नहीं आता अच्छा क्या है बुरा क्या, अरे फ्री मिल रहा है यार ले लो, फ्री मिल रहा है ले लो। अब उसके सक्सेस को देख के बाकी सारे जो हैं उन लोगों ने भी उस चीज़ को रिप्लिकेट करना शुरू कर दिया है कि भैया हम भी आपको जीरो ब्रोकरेज देंगे, ठीक है। तो अब क्या ये गलत है? देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, इसमें एब्सोल्युटली कुछ गलत नहीं है। जो लोग पोजिशनल ट्रेड में लगते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो एक एक्चुअल तरीका है पैसा कमाने का इस स्टॉक मार्केट से, अगर कोई असली तरीका है जिससे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग है, ठीक है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, बाकी सारे में आप थोड़े बहुत पैसे कमा लोगे, होल्डिंग से ही आप अच्छे पैसे कमाओगे और लंबे समय में ही पैसे बनते हैं। ये जो लोग स्टॉक मार्केट में लंबे समय से काम कर रहे हैं वही जानते हैं, नए लोग तो बस इंट्राडे और एफएनओ के चक्कर में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं सिर्फ 10% हैं, तो अगर 10% भी अगर हमने छोड़ दिया तो 90% से ही इन कंपनियों को करोड़ों का प्रॉफिट होता है, इन कंपनियों को करोड़ों का प्रॉफिट होता है सिर्फ इंट्राडे और एफएनओ से। तो आजकल सबके सब आपको वही करते हुए मिलेंगे। तो अब सवाल फिर लोग मुझसे एक पूछते हैं, सर जब जीरो ब्रोकरेज हो गया, हम सब जीरो ब्रोकरेज में आ रहे हैं, तो उसमें भी कौन से अच्छे ब्रोकर को चूज़ करें? तो देखो मैं आपको बोलता हूँ, देखो सारी ब्रोकिंग कंपनियाँ अच्छी होती हैं, किसी के बारे में बुरा कह के कोई मतलब तो बनता नहीं, ठीक है। सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन हिसाब से काम करते हैं, सेबी ने कार्वी के कांड होने के बाद से काफ़ी अच्छे नॉर्म्स टाइट कर दिए हैं, तो सब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी राय पूछे तो मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान से देखता हूँ और वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मुझे दो कंपनी में चूज़ करना हो, ठीक है, मुझे दो कंपनियों में चूज़ करना हो, तो मैं उनकी लॉन्गविटी को देखता हूँ, कौन सी कंपनी बहुत पुरानी है, मैं पहले इस चीज़ को नोट करता हूँ। तो आज की तारीख में भी जीरोधा बहुत अच्छी कंपनी है, बेटर कंपनी है, लेकिन अगर मुझे जीरोधा को कंपेयर करना पड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ, तो मैं एंजल ब्रोकिंग को चूज़ करूँगा, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग 1997 से इंडिया में है, उनका एक प्रूवन रिकॉर्ड है, लंबे समय से हैं, सो दे नो कि बिजनेस को कैसे रन किया जाता है। एंड ये एक फुल ब्रोकर है जो आज आपको जीरो मतलब ब्रोकरेज ऑफर कर रहा है। तो अगर आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो शायद आपको मतलब एंजल को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो शायद आपको जीरोधा नहीं प्रोवाइड करता। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैं बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जीरोधा ख़राब है या बाकी सारी कंपनियाँ ख़राब हैं, मैंने आपको अपना तरीका बताया जिस तरीके से मैं असेस करता हूँ किसी भी चीज़ को। अगर एक चीज़ पुरानी है और वो बहुत सक्सेसफुल है इतने समय से, तो मैं हमेशा उस पर दाव लगाऊंगा रादर देन ऐसी कंपनी जो नहीं है, जिसने अभी कोई ट्रैक प्रूव नहीं किया है और वो अभी मार्केट में है। तो इन दोनों में से मैं हमेशा पुरानी को चूज़ करूंगा जो प्रूव्ड
परफॉर्मेंस दे रही है और मुझे वही प्रॉफिट दे रही है, तो मैं हमेशा एंजल की तरफ जाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि जीरो ब्रोकरेज क्या होता है और क्यों ये कंपनियां आपको जीरो ब्रोकरेज दे रही हैं, क्योंकि 90% प्रॉफिट उनको एफएनओ से और इंट्राडे से ही आता है और उससे ही पूरे पैसे बनते हैं, तो ये देखो मतलब नहीं है। नाउ जो लोग एंजल में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे ओपन कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।